हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में जो 6.35 गिवन है उसमें क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ओडीसी, ठीक है, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू हमें पता है। फिगर देखिए 125 डिग्री दी हुई है और एंगल सी डी ओ की वैल्यू दी हुई है 70 डिग्री, ठीक है। तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं डी ओ सी, मीन्स डी ओ सी हो गया, दूसरा एंगल डी सी ओ, डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं हम ये करके। तो देखिए आपका 125 डिग्री ये है तो एंगल ओ, एंगल बी ओ सी दी हुई है, बी ओ सी, बी ओ सी की वैल्यू दी हुई है 125 डिग्री, ठीक है। दूसरी एंगल हमें दी हुई है एंगल ओ सी डी ओ, ठीक है, एंगल सी डी ओ, सी डी ओ दी हुई है 70 डिग्री, ठीक है। तो हम एंगल डी ओ ए अगर फाइंड कर लेते हैं, एंगल डी ओ ए, तो एंगल डी ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी के बराबर हो जाएगी। बी ओ सी क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, ये हो जाएगी आपको 125 डिग्री। रीजन आप लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, एंगल्स। अब देखिए एंगल डी ओ ए हमें पता चल गया, तो क्या हम एंगल डी ओ सी फाइंड कर सकते हैं। एंगल डी ओ सी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, एक ही लाइन पे दोनों एंगल बने हुए हैं, ठीक है। चलिए तो देयरफॉर एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी ओ ए, ठीक है। रीजन आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 125, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 55 डिग्री, ठीक। चलिए अब ये एंगल पता चल गया, दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ओ। तो एंगल डी सी ओ देखिए, अब ट्रायंगल डी, ट्रायंगल ओ डी सी अगर हम देखें तो इसमें हमें ओ डी सी एंगल पता है, एंगल डी ओ सी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो थर्ड एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सम जो होता है तीनों का 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगी, दोनों का सम कर लेंगे तो एंगल डी ओ सी और एंगल सी डी ओ, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस एक है हमारा 70 डिग्री और डी ओ सी 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको मिलेगी 55 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तीन एंगल्स फाइंड करने थे, दो की वैल्यू पता है। अब देखिए एंगल ओ ए बी, ओ ए बी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए तो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, इस यहाँ देखिए ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है, ओ डी सी और ओ बी ए सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं ओ डी सी, ओ डी सी ओ आपका, चलिए वो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ऐसे भी ए, ए जो है सी के बराबर होगा ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और
ODC should be equal to OBA, ये एंगल, ठीक है? As triangle ODC is similar to triangle OBA, therefore क्या हो जाएगा? Angle OAB, OAB should be equal to OCD, ठीक है? और DCO बोल सकते हैं, is equal to angle DCO, और ये हो जाएगा आपका 55 degree, ठीक है? तो तीनों हमने एंगल फाइंड कर लिया, ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन, बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.